नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में जो टाटा आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला खेला जाएगा और पिच के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे पिच के बिहेवियर के बारे में, क्या तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलेगा स्पिनर्स गेंदबाज को या फिर बल्लेबाज बल्ले से हल्ले बोलते आपको नजर आएंगे, वेदर रिपोर्ट, बाउंड्री लेंथ, ग्राउंड डायमेंशन, वेन्यू स्टेट्स, स्कोरिंग पैटर्न, स्पिनर्स और पेसर्स गेंदबाज की कंपेरिजन देखेंगे। जब दोनों टीमें आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती है तो क्या कुछ सामने निकल के आता है, जब दोनों टीमों के प्लेयर्स इस वेन्यू पे खेलते हैं तो कौन से प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, कौन से प्लेयर फ्लॉप रहते हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे लास्ट सीजन के रिकॉर्ड के बारे में, जब 2021 के अंदर यहां पर आईपीएल के टोटल 10 मैच खेले गए थे तो उन 10 मैच के अंदर क्या कुछ पिच की बिहेवियर रही थी, किसको ज्यादा पिच से हेल्प देखने को मिला था, रेड सॉइल वर्सेज ब्लैक सॉइल के पिच में क्या डिफरेंस होता है और इस मुकाबले के अंदर बेस्ट फैंटेसी पिक्स आपके फैंटेसी टीम और ऐप्स के अंदर क्या हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके जरूर से ऑल कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। अगर आपको भाई की मेहनत पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं इस तरीके की पिच रिपोर्ट एक्सक्लूसिव एनालिसिस वीडियो आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप फैंटेसी में इंटरेस्टेड हो, अगर आप फैंटेसी ड्रीम इलेवन खेलते हो, अगर आपको टीम बनाने में दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, जुड़िए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे लास्ट सीजन 100 से भी ज्यादा जीएल और मेगा जीएल आईपीएल के अंदर विन हुआ था। मैंने भी गाइस 30 से ज्यादा जीएल और मेगा जीएल विन किया था, प्रूफ आप लोग यहां पर देख सकते हो। अगर आपको भी गाइस इस सीजन ग्रैंड लीग और मेगा जीएल विन करना है तो ये बिल्कुल गाइस आसान है, बस आपको सही गाइडेंस और यहां पर एक स्ट्रेटजी की जरूरत है जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और यहां पर आपको मिलती है हर एक मैच की फाइनल स्मॉल लीग और 6 से 11 ग्रैंड लीग मेगा कॉन्टेस्ट की टीम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। बात करते हैं मैच इन्फो के बारे में। फर्स्ट मुकाबला खेला जाएगा 26 मार्च 2022 को सैटरडे के दिन भारतीय समयानुसार रात को 7:30 पर मुकाबला खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंडिया के अंदर। पिच रिपोर्ट की बात करें फ्रेंड्स, यहां की जो पिच होगी न्यू और फ्रेश होगी, जो वानखेड़े स्टेडियम की पिच है और रेड सॉइल से बनी हुई है। और रेड सॉइल की खासियत क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा पेस और बाउंस देखने को मिलता है तेज गेंदबाजों को, यहाँ पर एग्रेसिव बैट्समैन यानी एक्सप्लोसिव बैट्समैन और तेज गेंदबाज जो कि स्लोअर बॉल कटर बॉल परिवर्तन करते हैं, चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ पिकर बॉल का यूज करते हैं, वो गेंदबाज यहां पर काफी ज्यादा डोमिनेट करते आपको नजर आएंगे। पिच जो होगी बैटिंग फ्रेंडली होगी, बैटिंग पैराडाइज इस पिच को माना जाता है, रनों की वर्षा इस पिच पे होती है, तेज गेंदबाज काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते आपको नजर आएंगे। रीजन क्या है, जब तेज गेंदबाज यहां पर नई बॉल के साथ गेंदबाजी करते हैं तो उनको अच्छी खासी विकेट मूवमेंट और स्विंग देखने को मिलता है, साथ ही साथ तेज गेंदबाज डेथ में बॉलिंग करते हैं जहां पर विकेट गिरने की चांसेस काफी ज्यादा हाई रहता है। ड्यू फैक्टर आपको एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हुए नजर आएगा सेकंड इनिंग्स के अंदर, तो जो टीम इस मुकाबले में पहले टॉस विन करेगी वो पहले फील्डिंग करना प्रेफर करेगी, क्योंकि यहां पर चेज करना आसान है कंपैरिजन टू फर्स्ट बैट करना। बाउंड्री साइज आपको काफी छोटी नजर आएगी, जैसे मैंने बताया कि जो पिच है वो बैटिंग पैराडाइज के लिए जाना जाता है, बाउंड्री छोटी है, चौके और छक्के काफी ज्यादा लगते हैं जिस कारण रनों की यहां पे वर्षा होती है। अगर हम बात करते हैं दोनों टीमों के रिकॉर्ड की, चेन्नई सुपर किंग्स ने इस वेन्यू पे खेले टोटल में 19 मैच, जिनमें से 11 मैच के अंदर इस टीम को जीत मिला। वहीं अगर हम बात करते हैं केकेआर टीम की, तो केकेआर टीम 11 मैच खेली और सिर्फ एक मैच के अंदर इस टीम को जीत मिला है। दोनों टीम आपस में वानखेड़े स्टेडियम के अंदर एक बार खेल चुकी है और उस मुकाबले के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स टीम को जीत मिला था। जीत का मंत्र क्या रहेगा दोनों टीमों के लिए, टॉस विन कीजिए, फील्डिंग पहले कीजिए और ड्यू फैक्टर का यूज कीजिए और मुकाबले विन कीजिए, यही जीत मंत्र रहेगा वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। अभी हम बात करते हैं पेसर्स और स्पिनर्स गेंदबाज के कंपैरिजन के बारे में। तो लास्ट सीजन 2021 के अंदर टोटल में 10 मैच खेले गए थे वानखेड़े स्टेडियम के अंदर, 91 विकेट मिला था पेसर्स यानी तेज गेंदबाज को, पहले पारी के अंदर 51 विकेट, दूसरी पारी के अंदर 40 विकेट, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज को 65 विकेट मिले और लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज को 26 विकेट मिले। वहीं अगर हम बात करें स्पिनर्स गेंदबाज की, तो लास्ट सीजन जो टोटल 10 मैच खेले गए थे उसमें स्पिनर्स गेंदबाज को महज 21 विकेट मिला। आप यहां पर कंपैरिजन देख सकते हो, 91 विकेट यहां पर निकाले थे पेसर्स गेंदबाज ने और सिर्फ 21 विकेट यहां पर स्पिनर्स गेंदबाज को मिले था, यानी 70 विकेट ज्यादा यहां पर किसने निकाला था, पेसर्स गेंदबाज ने। यह एक प्रूफ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप जो भी ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसकी प्रूफ आप यहां पर देख सकते हो, तेज गेंदबाज यहां पर डोमिनेट करते हैं, स्पिनर्स गेंदबाज को कम हेल्प विकेट से देखने को मिलता है। स्पिनर्स गेंदबाज को पहले पारी के अंदर 9 विकेट
विकेट मिले दूसरी पारी के अंदर 12। राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर गेंदबाज को 7 विकेट, लेग ब्रेक स्पिनर गेंदबाज को 9 विकेट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज को 5 विकेट और लेफ्ट आर्म चेनमैन गेंदबाज विकेट ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट मुकाबले के बारे में, जो लास्ट मैच यहाँ पर आईपीएल के खेला गया था सीएसके और आरसीबी के बीच में। इस मैच के अंदर 5 विकेट पेसर्स यानी तेज गेंदबाज को और 6 विकेट यहाँ पर स्पिनर्स गेंदबाज को मिला था। बाउंड्री साइज ग्राउंड डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की जो स्ट्रेट बाउंड्रीज है जो डाउन द ग्राउंड पर जो आपको 70 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी, स्क्वायर बाउंड्रीज की अगर हम बात करें ऑफ और लेग साइड की तो ये भी आपको दोनों तरफ 70 मीटर देखने को मिलेगी। अब ये चीज़ थोड़ी सी वेरी कर सकती है क्योंकि एक स्टेडियम के अंदर बहुत सारे पिचेज होते हैं तो जब सेंट्रल विकेट पे मैच होगा ना तब गाइज ये ग्राउंड डायमेंशन रहेगा, ठीक है। आपको अगर मैं बताऊं बिल्कुल प्रैक्टिकली तो ये सेंटर विकेट पे अगर मैच होता है तो ये आपको सेम ग्राउंड डायमेंशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लो फर्स्ट विकेट पे हो गया या फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे बहुत सारे वहाँ पीचेज होते हैं अगर उस पर मैच होता है तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको स्क्वायर बाउंड्रीज वेरी करती हुई नजर आएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत लोग गलत फिल्म में रहते हैं बट आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ पर समझाने की कोशिश की। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी हम बात करते हैं स्पेशली लास्ट सीजन के रिकॉर्ड के बारे में। तो देखो लास्ट सीजन इस वेन्यू पे टोटल में 10 मैच खेले गए थे, 4 मैच पहले बैटिंग करने वाली और 6 मैच सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती थी। हाईएस्ट स्कोर 221 रन बने थे जो कि पंजाब किंग्स की टीम बनाए थे और लोएस्ट स्कोर भी पंजाब किंग्स की ही टीम बनाए थे 106 और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट सीजन 167 रहा था। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे, जो टोटल में 10 मैच खेले गए थे लास्ट सीजन उसकी पैटर्न क्या रही थी रन बनने की, आप देख सकते हो 150 से कम रन यहाँ पर 3 बार बने, 150 और 170 के बीच में 1 बार भी स्कोर नहीं बना, 170 और 190 के बीच में 2 बार स्कोर बने और 190 के ऊपर 5 बार स्कोर बने हुए थे। अब हम पर्टिकुलर बात करते हैं लास्ट सीजन के जो 10 मैच खेले गए थे उसमें पेसर्स और स्पिनर्स गेंदबाज की कंपैरिजन यहां पे हम देखते हैं। मैच वाइज मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे तो आपको मैंने टोटल दिखाया, अब आप मैच वाइज देखिए, मैच वाइज आपको और सारी चीजें यहां पे देखने को और सीखने को मिलेगी जिससे आप ग्रैंडिक टारगेट करके उसमें भी अच्छी खास विनिंग कर सकते हो। देखो पेसर्स गेंदबाज जो है पहले मैच के अंदर 8, दूसरे में 12, तीसरे में 13, फिर 9, 8, 10, 9, 8, 9 और 5 ऐसे विकेट्स मिले पेसर्स के अंदर, टोटल 91 विकेट्स मिले थे 10 मैच के अंदर। स्पिनर्स गेंदबाज 1 विकेट 0, 2, 0, 6, 2, 1, 2 और 6, यानी अगर आप देख लो लास्ट मैच अगर आप छोड़ दोगे तो कोई ऐसा मैच नहीं था जिसमें स्पिनर्स गेंदबाज ने पेसर्स गेंदबाज से ज़्यादा विकेट निकाला हो, ठीक है। और टोटल विकेट इनको कितने मिले 21 और 30 गेंदबाजों को 91 विकेट। वेदर रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो वेदर बिल्कुल क्लियर रहेगा, शनी वेदर रहेगा, आपको बारिश की चांसेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस टू 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा मैच के दौरान। अभी हम बात करते हैं इस पिच की, इस ग्राउंड की रिकॉर्ड्स के बारे में। तो वेन्यू रिकॉर्ड T20 इंटरनेशनल की अगर हम बात करेंगे, टोटल में 7 यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले खेले गए। पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 मैच जीती, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 5 मैच जीती। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 195 पर आप देख सकते हो, ये एवरेज स्कोर आपको बता रहा है कि यहाँ पर रन कितने अच्छे खासे बनते हैं। सबसे बड़ा स्कोर इंडिया की टीम बनाई 240 और सबसे कम स्कोर श्रीलंका की टीम बनाई 135। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे, जो T20 इंटरनेशनल के 7 मैच यहाँ पर खेले गए उसकी पैटर्न क्या रही आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, 150 से कम सिर्फ 1 बार बने, 170 और 190 के बीच में 2 बार स्कोर बने और 190 के ऊपर 4 बार स्कोर बने हुए हैं, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है यहाँ पर रन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, अप्रॉक्स 200 के आसपास यहाँ पर रन्स बनते हैं। T20 डोमेस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो टोटल में 83 मैच खेले गए, पहले बैटिंग करने वाली टीम 40 मैच, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 43 मैच जीती। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 167 है, हाईएस्ट स्कोर आरसीबी की टीम ने 235, लोएस्ट स्कोर केकेआर का रहा 67। स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखोगे जो 83 मैच टोटल यहाँ पर खेले गए उसमें यहाँ पर 150 से कम रन 21 बार बने हैं, 150 और 170 के बीच में 17 बार स्कोर बने, 170 और 190 के बीच में 30 बार स्कोर बने और 190 के ऊपर 15 बार स्कोर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू रिकॉर्ड्स के बारे में। सो दोनों टीम आपस में आईपीएल के अंदर अभी तक 28 बार खेल चुकी है, 19 बार सीएसके की टीम जीती है और 8 बार केकेआर की टीम जीती और एक मुकाबला एबंडेड यानी बेनतीजा रहा, यानी मुकाबला हुआ ही नहीं ड्यू टू रैन फैक्टर। अभी हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर वेन्यू पे कौन कौन से दोनों टीमों के तरफ से प्लेयर्स हैं जो जिनका परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट रन स्कोरर के बारे में, तो अंबती रायडू यहाँ पर हाईएस्ट रन स्कोरर है दोनों टीमों के तरफ से, 58 मैच में इन्होंने 985 रन किए हैं। रॉबिन उथप्पा 18 मैच में 491 रन किए, नीतीश राणा 15 मैच में 469 रन, अजिंक्य रहाणे 16 मैच में 370 रन और एमएस धोनी 25 मैच में 356 रन किए। ये हैं इस वेन्यू पे टॉप मोस्ट रन स्कोरर जब दोनों टीमें खेलती यहाँ पे। मोस्ट विकेट टेकर की अगर बात करेंगे, ड्वेन ब्रेबो 18 मैच में 23 विकेट, रविंद्र जडेजा 21 मैच में 16 विकेट, दीपक चहर 13 मैच में 13 विकेट,
यहां पर ये 10 मैच होगा, आप इसको करेक्ट कर लेना। 10 मैच में 13 विकेट इनके नेम है। सुनील नरेन 9 मैच में 11 विकेट और मोइन अली 7 मैच के अंदर यहां पर 9 विकेट निकाले हैं। तो ये रहा गाइस पिच की पूरी एक्सक्लूसिव डिटेल एनालिसिस। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती मेहनत पसंद एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि पिच के बारे में कैसा हम यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे जान सकते हैं और पिच के अकॉर्डिंग किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पे एक अच्छी खासी बेहतरीन टीम बना सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आपको भी स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की फैंटेसी ड्रीम इलेवन की फाइनल टीम चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।